हेलो एवरीवन वैसे स्टूडेंट जो खासकर एम में जो भी स्टूडेंट्स बीएससी में ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं हालांकि वो स्टूडेंट्स फाइनली फॉर्म लिस्ट तो नहीं आया है लेकिन उससे पहले उनके ही पोर्टल पे मेक अ पेमेंट का एक गा चुका है बहुत सारे स्टूडेंट का अभी कमेंट्स आ रहा है सर कि अभी लिस्ट क्यों नहीं आया और हमारा नाम पेमेंट मेकअ पेमेंट का आ पेमें चुका है तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा अभी पेमेंट मत करिए जब तक कि आपका फॉर्म लिस्ट रिलीज़ नहीं किया जाए क्योंकि फॉर्म लिस्ट में आप डिस्प्ले और फॉर्म लिस्ट में जाकर चेक कर पाएँ कि हाँ भाई आपका आया है नहीं अभी हम इन शॉर्ट में एक दिखाएंगे कि क्या सीन है यहाँ पे जाने के बाद आपको फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में भी जाकर देख सकते हैं यहाँ पे बीएससी एस सी दिएगा ये फाइनली जो है ओ फाइनली आ चुका है ये रहा बीएससी एस बॉयज़ का और बीएससी गर्ल्स का ये रहा अब यहाँ पे क्लिक करते हैं मुझे लगा अभी नहीं है इसलिए मतलब कुछ स्टूडेंट कह रहे अभी आ रहे हैं तो अभी जस्ट मेरे ख्याल से पब्लिश किया गया है अब इसके बाद जो है जो भी स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर के हिसाब से देख लें और इस ये रहा टोटल नाइन पेजेस में नाम आया है एक तो ये कि जो भी ब्रांच अलॉट हुआ है पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा तभी आपका ब्रांच चेंज होगा अदरवाइज नहीं हो पाएगा आप चाहेंगे कि अगला लिस्ट में मुझे कोई और ब्रांच मिल जाए नहीं पहले आप एडमिशन लीजिए ये तो मैंने बॉयज़ का दिखाया इस तरीके से हम गर्ल्स का दिखा देते हैं और यहाँ पर भी टोटल बॉयज़ का तो नाइन पेजेस में था जिसको भी अगर ये पी चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का गर्ल्स में भी काफ़ी लिस्ट है देख सकते टोटल टेन लिस्ट है तो फुली ज़्यादातर बच्चे का सिलेक्शन हो चुका होगा वेटिंग कितना क्लियर है अभी एग्जैक्ट लगा पाना मुश्किल है हाँ जिनका नाम वेटिंग में आया था अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो वही कह सकते हैं बाकी अभी हम कुछ नहीं करते काउंसिलिंग पोर्टल पर जाते हैं देखिए जैसे एक एक स्टूडेंट का मैंने खुद ही काउंसलिंग किया था और देखिए फाइनल इनका अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर मे कप पेमेंट का फाइनली आ चुका है अब इनको कुछ नहीं करना है मतलब पेवल ऑलरेडी अगर बाई दे वे इस ब्रांच से सेटिसफाइड है तो भी इनको डायरेक्ट बीएससी केमिस्ट्री मिला है इनके चॉइस के हिसाब से तो हालांकि अच्छा मिला है मैं तो ये कह सकता हूँ और बाकी है कि आप कुछ नहीं डायरेक्ट मेकअप पेमेंट पर पे जाएंगे इस पर जाने के बाद यहाँ पे क्या करें देखिए आर यू करेंटली नॉल इन एनी कोर्स ऑफ एम यू स्टडी एट एम यू अलीगढ़ क्लिक ओके इफ़ यस और कैंसिल इफ इफ द आंसर इज नो अगर आप नहीं पढ़ते एम में पहले से तो आप कैंसिल क्लिक करेंगे और अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो ओके करेंगे पेमेंट करने से पहले ये इसलिए क्योंकि जो एम के इंटरनल स्टूडेंट्स हैं उनको कम पेमेंट करना पड़ता है थोड़ा और जो एक्सटर्नल स्टूडेंट उनको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है तो यहाँ पर के हिसाब से जिससे स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं ये एम का स्टूडेंट नहीं है इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कैंसिल मतलब कि जो एम का स्टूडेंट्स होंगे वो उनको ओके करना पड़ेगा और जो एम के स्टूडेंट नहीं है उनको कैंसिल करना पड़ेगा तो अब इसके बाद हम यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए टोटल एलेवन थाउजेंड इनको पे करना पड़ेगा बी केमिस्ट्री में अगर इनको एडमिशन लेना है तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं क्या ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा पे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो Uh, मतलब यहाँ पे जैसा कार्ड में आप डेबिट कार्ड uh, चूज़ करके कर सकते हैं नंबर एक या यू पी आई आई डी डाल के या फ़ोनपे पेटीएम बट फ़ोनपे पेटीएम से सही से वर्क नहीं कर रहा तो बेटर आपके लिए होंगे कि आप uh, आप जो है क्या कर लेंगे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और उसी हिसाब से फिर पेमेंट कर दीजिएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है आगे का सीन मैं समझाऊँगा बट अभी के लिए इतना देख लिया आगे बस कुछ नहीं करना है आपको जेनेट आई डी कार्ड स्लिप का आएगा उसको स्लिप को जनरेट कर लीजिएगा वो पी अपने पास रख लीजिएगा दूसरा एडमिशन कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना फिर अपने क्लासेस का नोटिस आने का इंतजार करना है